भचाउ तालुकाना लुड़वा गाम नजीक आवेली गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड कंपनीना स्टील प्लांट कंपनीमां काम करता मजूरोए पगार न मळता हल्लाबोल कर्यो छे। कॉन्ट्रेक्टर द्वारा काम करता मजूरोने 3 મહિનાનો પગાર નથી ચૂકવવામાં આવ્યો ત્યારે વહેલી તકે પગાર ચૂકવવામાં આવે તેવી મજૂરોની માંગ ઉઠી છે। લુણવા ગામ નજીક આવેલી આ કંપની કે જેમાં પગાર ન મળવાને કારણે મજૂરોએ હલ્લાબોલ કર્યો। गुजरात एनआरआई कोक लिमिटेड स्टील प्लांट जे कंपनी आवेली छे तेनी हालत खराब छे अने अनेक मजूरों ने पगार न मळता यूपी बिहार एमपी के जे बहार थी आवेला गरीब मजूर लोको छे तेने खावा पीवा माटे राशन माटेना पण पैसा नथी। मजूरों पासे कंपनीना कॉन्ट्रेक्टर द्वारा पगार न मळता मजूरो परेशान थया छे त्यारे जीटीवी गुजरात न्यूज़ना रिपोर्टर राणाभाई आहिरे कंपनीना कॉन्ट्रेक्टर साथे वातचीत करी। कॉन्ट्रेक्टरे जणाव्यू के मने कंपनीए हजू पेमेंट नथी आप्यु तो हूँ क्यांथी पैसा आपू। ज्यारे मीडिया समक्षनी वातचीत करता मजूरो कही रह्या छे के कंपनीए कॉन्ट्रेक्टरने पेमेंट पैसा आपी दीधा छे, आ बाबते मजूरो आक्षेप करी रह्या छे। हालमां तो मजूरो हैरान परेशान थई गया छे पगार न मळता। जीटीवी गुजरात न्यूज साथेनी वातचीतमां मजूरो शुं जणावी रह्या छे આવો સાંભળીએ। 3 મહિનાથી અમારું પેમેન્ટ નથી થયું અને લેબર પરેશાન છે। કંપની કહે છે કે મેં ઉપરજાને ઠેકેદારને આપી દીધા, ઠેકેદાર કહે કે મને કંપનીએ નથી આપ્યા, એ બધી વાત ચાલુ છે। પણ હવે જેમ બને એમ જલ્દી કોશિશ કરે, માણસો ઘરે જવાની તૈયારીમાં છે। આજ કેટલા ટાઈમથી બેઠા પડ્યા છે, માણસોને બધી ખર્ચીની પ્રોબ્લેમ આવે બધી રીતે, તો કોઈ પણ જાતની કંઈ સંભળાતું નથી। હવે જો શું થાય છે એના માટે અમે એમ જ કહીએ છીએ કે 3 મહિનાનો અમારો પેમેન્ટ કરાવી દે, ભલે પછી જ્યારે મિલ ચાલુ થવાનું ત્યારે અમે પ્રેમથી આવવા તૈયાર છીએ। બસ એને એ જ અમારી માંગ છે, બીજું કાંઈ આગળ રજૂઆત કરેલ છે પણ હજી સુધી ખાલી ટાઈમમાં જ જાય છે, ટાઈમ પાસ જ થાય છે કે એટલે અમુક લેબર ગઈ હતી અમારી ગાંધીધામ ગઈ હતી, બચાવીએ ગઈ હતી, પણ હું આથી 4-5 દિવસનો ટાઈમ આપ્યો હતો અને એ લગભગ હવે ઠેકેદારે ટાઈમ આપ્યો છે કે હું આવું છું બપોરના અને નિર્ણય લઉં છું। आजकल बोल रहा है कंपनी को रिक्स नहीं उठा रहा है, हम लोग क्या करें यहाँ पर, खाना पीना बन रहा है, आज तो लाइट भी नहीं काटती है, लाइट भी नहीं मिल रहा, खाना भी नहीं मिलेगा, नहीं पानी मिलेगा, तो हम लोग भूखे मरेंगे यहाँ पर, यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आपने इसके लिए कुछ आगे कहा कचहरी में आपने कोई हम कचहरी में बचाओ थाने में गए हैं, बचाओ थाने में गए, गांधीधाम गए, कोई सुनवाई नहीं है। गांधीधाम थाने में गए मगर थाना पता नहीं चला, वहाँ से बचाओ वाले ऑफिस कर दिया, बचाओ में ले आया, हमारे एरिया नहीं है ये। कॉन्ट्रेक्टर भी क्या बोल रहे थे? कॉन्ट्रेक्टर ये बोला है कि आजकल आज देंगे कल देंगे, इससे और कुछ है ही नहीं। कोई कितना आदमी है अभी यहाँ पर? तो 50-55 आदमी है। तो आपकी मांग क्या है? हमारे मांगे है हम लोग के हिसाब दिलवा दीजिए, हम घर जाएंगे। 3 महीने का रुका हुआ है, ना खर्चा मिल रहा है, ना राशन दुकान से मिल रहा है, घर से फ़ोन आ रहा है, घर परिवार सब परेशान है, हम भी यहाँ परेशान है, चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं है, ठेकेदार दे नहीं रहा, ठेकेदार बोलता कंपनी नहीं दिया, कंपनी बोलता ठेकेदार नहीं दिया, किसको हम कहें, किसके पास जाए? राजेश उपाध्याय बोलता कंपनी नहीं दिया है। कंपनी ने आपने बताया, कंपनी क्या बोल रही है? कंपनी बोलती है कि हम दे दिए हैं, कुछ बाकी है, कुछ दे दिए हैं, कुछ बाकी है, अब कब फाइनल करेगा पता नहीं। राणा भैया हिर, जीटीवी न्यूज़, बचाओ।